हरमायन जी की बेटी है ना, वो तो यूट्यूबर बन गई है। अब और क्या बताऊं, हमारी कौन सी चुगली करने की आदत है जो। हाँ हाँ, चुगलखोर। नमस्ते भाभी। नमस्ते, आओ ना, खा क्या खड़ी हो। नहीं, आपसे मुझे एक काम था। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप मेरे घर क्यों नहीं आती हैं? आपके पास में ही तो मैं रहती हूँ। हाँ, थोड़े घर के कामों में बिजी रहती हूँ, इसलिए आना नहीं हो पाता है। आप बताइए, आप क्यों आई हैं आज? नहीं नहीं, हमारे यहाँ थोड़े गेस्ट आए थे ना, इसलिए थोड़ी चीनी चाहिए थी। मैं ला देती हूँ, दीजिए। ओके, थैंक यू भाभी। भाभी सुनो ना, चीनी के साथ थोड़ी चाय पत्ती भी दे देना, वो भी थोड़ी खत्म हो गई है। लाती हूँ भाभी, ये लीजिए चीनी और चाय पत्ती। थैंक यू भाभी। प्लीज, क्या मुझे थोड़ी सी अदरक और इलायची मिलेगी? वो भी थोड़ी सी खत्म हो गई है। देती हूँ। चाय, चीनी हो गई, चाय पत्ती हो गई, अदरक हो गया और इलायची हो गई। हाँ, एक चीज तो भूल ही गई, भाभी थोड़ा दूध भी लेके आ जाना। ठीक है, इससे अच्छा आपके गेस्ट को इधर ही चाय दे दीजिए। मम्मी ने आज खीर बनाई थी, वो मैं आपके लिए आज लाई हूँ। ठीक है, रुको रुको, मैंने भी आज कुछ कचौड़ियाँ बनाई हैं, वो लेके जाओ। आंटी। अरे भाभी, ठीक हूँ मैं। ठीक हो? थक गया हो? नहीं नहीं, इधर से गुजर ही रही थी तो सोचा आपसे मिल लूँ। कल ये सोने की वॉच खरीदी थी, कैसी लग रही है? नेकलेस डायमंड लगा है इधर, अच्छा लग रहा है ना? अच्छा, वैसे इसका दाम क्या है? ये वॉच अप्रोक्स 50,000 की होगी और ये 4 लाख का। ये वैसे आपने कुछ गोल्ड का नहीं पहना? मैं कुछ गोल्ड नहीं पहनती हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे यार आंटी, कितनी तेज़ कर रही हो।